ये गाड़ी अच्छी है। सो एक्चुअली मैं और मेरे पापा जा रहे हैं आज। थोड़ा पापा को कार लेने का मूड हो गया एकदम से ही कि ही वॉन्ट टू बाई अ काइंड ऑफ यूज्ड कार। सो वी आर गोइंग टू टाटा डीलरशिप। सो उनका कुछ सेकेंड हैंड का कुछ सिस्टम है कुछ। सो वहाँ जाके हम देखते हैं। सो नैनो देख रहे हैं अभी तो नैनो को समझ में आ रहा है, नहीं तो फिर कोई ट्रू वैल्यू जाएंगे मारुति ऑल्टो 800 या ऐसा कुछ देखेंगे। तो चलो आपको भी दिखा देते हैं आज नैनो कार लेते हुए या जो भी कार लेते हैं, तो आप लोग भी साथ चलो। चलो ओके। सो गाइस वी रीच मारुति ट्रू वैल्यू। अभी ट्रू वैल्यू आ रहे हैं, उसके साथ में ही है टाटा मोटर्स भी। तो अभी ट्रू वैल्यू चलते हैं, देखते हैं यहाँ पे कौन सी गाड़ी है अपनी जो भी बजट में आती है। अंडर वन हमारा थोड़ा सा बजट है। पापा को एक्चुअली स्कूटर से रिप्लेस करना है, स्कूटर की जगह कार में आना है। तो आप लोग देख सकते हैं टाटा का शोरूम भी साथ में ही है। सो अभी पहले ट्रू वैल्यू चलते हैं, फिर देखते आ जाते हैं। मारुति ट्रू वैल्यू में तो कुछ मिला नहीं क्योंकि यहाँ पे जो प्राइस रेंज थी वो 2.5 के ऊपर था। प्लस ये कि हम नोएडा में देखने आए तो यहाँ यूपी नंबर है एंड वी आर लुकिंग फॉर दिल्ली नंबर, सो इसलिए यहाँ ट्रू वैल्यू में तो आने का फ़ायदा नहीं हुआ। अब साथ में जाकर देखते हैं जो टाटा का शोरूम है, वहाँ देखते हैं। वहाँ एक नैनो देख रखी है, फ़ोन पे बात हुई थी, OLX पे लिस्टेड थी, तो वो देख लेते हैं एक बार। लास्ट की हमें टेस्ट ड्राइव चाहिए। सो उनके पास वो गाड़ी तो एक्चुअली ऊपर खड़ी हुई है फर्स्ट फ्लोर में, तो उसकी टेस्ट ड्राइव तो नहीं मिल सकती। सो वो मुझे अपने कोई स्टॉक को इसमें लेके जा रहा है जहाँ पे वो दूसरी कोई नैनो है जिसकी टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। सो देखते हैं यार, नैनो चलाई भी नहीं और वो कह रहा है कि उसका पावर स्टेयरिंग भी नहीं है। सो पता नहीं कैसी गाड़ी है। अरे खुली रहेगी गाड़ी, गाड़ी भी खुली रहती थी यार, कैसे रहेगा ऐसे तुम्हें चलता है। सो बिना पावर स्टेयरिंग की गाड़ी, पता नहीं नैनो में मे बी स्टेयरिंग की नीड ना, क्योंकि स्टार्टिंग के मॉडल में आया नहीं था पावर स्टेयरिंग। सो पॉसिबिलिटी है कि बिना उसके भी चल रहा है। सो जो उनका स्टॉक हाउस है जो है, वो यहाँ से अराउंड 10 मिनट्स की बोल रहे हैं वॉकिंग डिस्टेंस। लेट्स गो बाय कार यार, क्यों गर्मी में मरना है। बैठ जाओ। पहले कट से राइट ले लीजिएगा, ठीक है। सो ये सही चल रहा है टाटा का प्री ओन्ड वाला, बढ़िया सर। तो इसमें क्या, जो लोग टाटा की गाड़ी लेने आते हैं वो लोग ही बेसिकली। नहीं सर ऐसा नहीं है, हमारे पास हर गाड़ी एक्सचेंज होती है। अच्छा, तो वही है कि एक्सचेंज में सारी गाड़ियां आती हैं। बिल्कुल सर। नैनो में तो आया ही नहीं था कभी, ट्विस्ट में ही तो पावर स्टीयरिंग आया है ना। सर ट्विस्ट में ही आता पावर स्टीयरिंग, बूट स्पेस भी खुलता है उसमें। अच्छा, लेकिन सीएनजी वाली में भी नहीं? सीएनजी में वो तो पेट्रोल में, सीएनजी तो आप नए भी ले लो। यार नैनो आनी की बंद हो गई, कंपनी नए अपडेट लाती है अब इसके प्लेटफॉर्म पे, कोई और अपडेट आएगा नया। अच्छा, बहुत टाइम से बंद हो रखी है ना, लेकिन नहीं अभी हाल फिलहाल में बंद हुई सर, यहीं पे लगा दीजिएगा फोन। अच्छा, यही है, यही स्टॉक। क्या हो गया? सो ये स्टॉक इनका यही स्टॉक होता है ना। तो ये ट्विस्ट वाली है तो यार, आई एम ड्राइविंग नैनो, ऑसम कार यार, आई एम रियली लविंग इट। मतलब ये इसका टॉप एंड मॉडल है, ये नैनो ट्विस्ट है विद पावर स्टीयरिंग, पावर विंडोज एंड एसी एंड ऑल। ऑसम, बहुत बढ़िया गाड़ी है यार। मतलब कि काइंड ऑफ मेरा मन कर रहा है कि मैं ही बीट छोड़ के नैनो चला लूँ, इतनी स्मूथ है, लिटरली बहुत ही सही गाड़ी है। अगर आपको लेनी हो मतलब फॉर योर सेल्फ, फॉर योर वाइफ और समथिंग, फॉर लेडीज ऑल्सो, बहुत अच्छी गाड़ी है। अब
देखो मतलब उसमें सब कुछ है, एसी डेक आई थिंक फिटेड ऑलरेडी, सही चीज है। गाड़ी अच्छी है। सो बेसिकली ये तो टेस्ट ड्राइव मॉडल है इनका, तो यूपी नंबर भी है, बस टॉप एंड है, तो 2.25 लाख के आसपास कुछ बता रहा है, तो मतलब इसका फर्स्ट प्राइस उसने दिया, बाकी तो देख लेना जैसे। आई वांट टू टेक माय वर्ड्स बैक फॉर टाटा नैनो। वो एक्चुअली टाटा नैनो ट्विस्ट थी जो मैं चला रहा था, तो बहुत ऑसम थी। ये टाटा नैनो का बेस मॉडल है जिसमें पावर स्टीयरिंग भी नहीं है, सो भाई बहुत मुश्किल है एकदम, मतलब छोटी सी गाड़ी है लेकिन ऐसे चल रहा है कि जैसे लिटरली मैं ऐसे लग रहा है मैं कोई ऑटो चला रहा हूँ, वो जो होता है ना लोहे के डब्बे वाला, उतना भारी है इनका। कि अगर आपको चाहिए तो आप ट्विस्ट मॉडल ले लो भाई, स्टेयरिंग बहुत हैवी है, बहुत ज़्यादा हैवी, पता नहीं सकता आपको कितना हैवी है, बहुत ज़्यादा हैवी है, लेकिन वही कि छोटी गाड़ी है उस हिसाब से, लेकिन स्टेयरिंग बहुत हैवी है। तो मेरा तो मैं लेने का सोच रहा था, तो अभी यही फाइनल लग रहा है मुझे कि अगर पावर स्टेयरिंग वाला लिया जाएगा तो ही फायदा है, नहीं तो ये तो ट्रक है एकदम भाई। ये तो एसी चला नहीं रखा, पसीने निकल गया सिर्फ स्टेयरिंग में। सो टाटा नैनो ट्विस्ट के लिए यस, और नॉर्मल टाटा नैनो के लिए बिग फक।